डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की एंटेरियर यानी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, तो हमने देखा था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, जो हमारे थोरैक्स, थोरैक्स से एब्डोमेन, एब्डोमेन से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस पे जाके खत्म हो जाती है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये तो देख लिया था, लेकिन अब ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ये किससे मिलकर बनी है, इसमें कितनी लेयर है और इन लेयरों का काम क्या है, आज हम इसे देखेंगे। तो मान लो ये मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, ये क्या है, मेरी एलिमेंट्री कैनाल है। तो जब हम इसे ऐसे देखेंगे, सामने से देखोगे तो ये कैसे देख रही है, लॉन्गिट्यूडनली यानी लंबी लंबी। लेकिन अब हम अगर अपनी एलिमेंट्री कैनाल को निकाल ले बाहर और हम इसे इस तरह देखें, इस तरह देखें, इसका ये वाला पोर्शन तो कैसा दिख रहा है हमें, सर्कुलर, कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक पीस काटेंगे, एक पीस काटेंगे और इसे मान लो मैंने इसकी एक पीस काटी, ये इसकी एक पीस काटी, एक पीस काटने के पास हम इसे लगा के क्या बोलते हैं उसे, माइक्रोस्कोप। तो क्या करेंगे, हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे और इसे मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे कि ये कितनी लेयर से मिलकर बना है और कौन कौन सी लेयर है इसमें। फिर जब हम इसे मैग्नीफाई करते हैं, क्या हुआ, जब हम इसे मैग्नीफाई करते हैं, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमने इसे बाहर निकाला, इस तरह देखे तो क्या दिख रहा है, ये सर्कुलर, इसकी एक पीस काटी, इसकी एक पीस काटी। अब हम इसे मैग्नीफाई करेंगे, जब हम इसे मैग्नीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें चार लेयर पाई जाती है। क्या होता है, जब हम इसे मैग्नीफाई करते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें चार लेयर होती है यानी फोर लेयर होती है। तो जो सबसे बाहर की होती है उसे कहते हैं सिरोसा, क्या कहते हैं इसको, सबसे जो बाहर वाली होती है इसे कहा जाता है सिरोसा, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं सिरोसा। सिरोसा के बाहर यानी ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसे कहेंगे सिरोसा। फिर सिरोसा के बाद आती है मस्कुलैरिस, सिरोसा के बाद क्या आती है, अब इसके बाद जो होगी वो होगी मस्कुलैरिस। लेकिन जो हमारी मस्कुलैरिस होती है उसका अरेंजमेंट दो तरीके से होता है, एक इनर और एक आउटर। तो जो इनर होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है। क्रिकेट तो खेले ही हो गए, तो क्रिकेट खेलने में क्या होता है कि कोई बंदा अगर आउट हो जाए तो किस तरह मांगते हो, अंपायर आउट दें, अंपायर आउट दें। तो हम क्या करें, यहां से आउट, आउट दे से या ओ से आउटर, ओ से आउटर, ये कैसी है, आउट दे लॉन्गिट्यूडनल, तो ओ से आउटर कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी। तो सिरोसा, सिरोसा के बाद क्या आएगी, मस्कुलैरिस। तो इसकी इसका अरेंजमेंट दो तरीके से, एक इनर एक आउटर। तो जो आउटर होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। फिर इसके बाद क्या आता है, और इनर कैसी होगी, सर्कुलर, इनर कैसी होगी, सर्कुलर, इनर कैसी है, सर्कुलर है। इसमें क्या हुआ, एक आउटर है और एक इनर है, ये आउटर है, आउटर, आउटर कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल, और ये क्या है, इनर है, इनर है, इनर कैसी है, सर्कुलर, इनर कैसी है, सर्कुलर। ये क्या हुए, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस।
सिरोसा, मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस के बाद क्या आती है सब मिकोसा। सबसे आउटर क्या है सिरोसा, उसके बाद क्या है मस्कुलैरिस, जिसका अरेंजमेंट एक इनर एक आउटर, आउटर कैसा लॉन्गिट्यूडनल, इनर कैसा सर्कुलर। अब इसके बाद आएगी सब मिकोसा, इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद आएगी सब मिकोसा, सब मिकोसा, और फिर सबसे इनर, जो इनर मोस्ट है, जो सबसे अंदर है वो होती है मिकोसा। जो सबसे अंदर है वो क्या होती है, सबसे इनर जो होती है वो क्या होती है मिकोसा। तो हमने यहां पे क्या देखा कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है इसमें कितनी लेयर होती है, चार लेयर होती हैं। पहली होती है सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब मिकोसा और मिकोसा। कितनी लेयर है, चार लेयर है, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब मिकोसा और मिकोसा। लेकिन जो मस्कुलैरिस है इसका अरेंजमेंट दो तरीके से है, इनर और आउटर। आउटर कैसा है लॉन्गिट्यूडनल, इनर कैसा है सर्कुलर है। अब ये सिरोसा बनी किसकी होती है, तो सिरोसा जो होती है ये बनी होती है थिन मेसोथेलियम, थिन मेसोथेलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू, एंड सम सम कनेक्टिंग टिश्यू की बनी होती है। सिरोसा किसकी बनी होती है, थिन मेसोथेलियम और कुछ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जो हमारी ये मस्कुलैरिस है ये बनी होती है स्मूथ मसल की, स्मूथ मसल की बनी होती है। फिर हमारी है ये सब मिकोसा बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, किसी बनी होती है लूज कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, किसकी बनी होती है सब मिकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और इसके पास होता क्या, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है और इसके पास होता क्या, इसके पास होता है नर्व, ब्लड एंड लिम्फ। इसके पास होती क्या सब मिकोसा किसकी बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके पास होती क्या नर्व, ब्लड और लिम्फ। अब हम थोड़ा इसे डिटेल में देखेंगे, और थोड़ा इसे डिटेल में देखा जाता है कि ये हमारे जब ओसोफेगस, फिर ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में आती है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये इसमें होता क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये करते क्या वहां पे, तो हम देखेंगे। मान लो ये हमारा ओसोफेगस है, ये क्या है ओसोफेगस है, ओसोफेगस कहाँ पे खुलता है, ये हमारा ओसोफेगस कहाँ खुलता है, आके स्टमक में खुलता है, आके स्टमक में खुलता है। और स्टमक कहाँ खुलता है, स्टमक खुलता है हमारे ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में खुलता है, जिसे कहते हैं ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम, ये यहां पे खुल रहा है। ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये है ड्यूडिनम। तो स्टमक कहां आके खुल रहा है ड्यूडिनम में। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें कितनी लेयर हो रही है, फोर, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब मिकोसा और मिकोसा। तो यहाँ पे जो ड्यूडिनम होती है, ड्यूडिनम इसमें भी चार, ये भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो इसके पास भी फोर लेयर होंगी, यानी चार लेयर होनी चाहिए, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब मिकोसा और मिकोसा, तो इसमें भी चार लेयर होती है। लेकिन जो इसकी सब मिकोसा होती है, इसकी जो सब मिकोसा होती है उसके पास कुछ ग्लैंड होती है। इसकी जो सब मिकोसा होती है, ये सिरोसा है, फिर सिरोसा के बाद क्या है, ये मस्कुलैरिस है, ये क्या है सब मिकोसा है। तो इसकी जो सब मिकोसा होती है इसके पास कुछ ग्लैंड होती हैं, कुछ
क्या पाई जाती है, कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं। इन ग्लैंड को क्या कहते हैं, ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। तो इसे कहे चाहे तो आप कह सकते हो ड्यूडेनल ग्लैंड या बर्नर ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनल ग्लैंड या बर्नर ग्लैंड कहा जाता है। ड्यूडेनल ग्लैंड या बर्नर ग्लैंड कहते हैं। ये कहां पे पाया जाता है, हमारे ड्यूडेनम के सब मिकोसा में, हमारे ड्यूडेनम के सब मिकोसा में। फिर अब हम देख रहे हैं ड्यूडेनम के बाद क्या आता है, ड्यूडेनम कह रहा हूं सॉरी, सब मिकोसा जो है हमारा, सब मिकोसा के बाद क्या आ रहा है, म्यूकोसा, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर यानी सबसे अंदर वाली लेयर है। तो जब हम उसे देख रहे हैं तो ये मान लो हमारी सबसे इनर वाली लेयर है, ये क्या है, सबसे इनर वाली लेयर है, ये सबसे इनर वाली लेयर है, ये हमारी सबसे इनर लेयर है यानी म्यूकोसा। तो स्टमक में क्या करती है म्यूकोसा, जब स्टमक में होती है तो ये इरेगुलर फोल्ड बनाती है का मतलब कि ये ऐसे 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 ये इरेगुलर फोल्ड बनाती रहती है, इसपे इरेगुलर फोल्ड बनाती है म्यूकोसा। क्या करती है, इरेगुलर फोल्ड बनाती है, और इरेगुलर फोल्ड क्यों बनाती है, ताकि जो हमारे स्टमक का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए और हम यहां से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकें। तो सब म्यूकोसा जो होती है हमारे स्टमक में क्या करती है, इरेगुलर फोल्ड बनाती है। स्टमक में क्या होता है, इरेगुलर फोल्ड बनता है, जिसे कहते हैं रुजई, जिसे कहा जाता है रुजई। सब म्यूकोसा क्या होता है, हमारे स्टमक में इरेगुलर फोल्ड बनाता है, जिसे कहते हैं रुजई। और जो म्यूकोसा, जो हमारे स्टमक की म्यूकोसा होती है, इसके पास कुछ ग्लैंड भी होते हैं, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इसके पास कुछ ग्लैंड भी होती हैं, जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये सब कहां पे है, हमारी म्यूकोसा में, जो हमारे स्टमक की म्यूकोसा यानी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वो स्टमक में क्या करती है, इरेगुलर फोल्ड बनाती है, जिसे कहते हैं रुजई। और इसी पे कुछ ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर ये होते हुए आती है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, यानी म्यूकोसा जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे बहुत ही जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे कहते हैं हम विलई। मान लो ये हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सीधा सीधा बना दे रहा हूं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, बड़ा कर दे रहा हूं, इसे मैग्निफाई कर दे रहा हूं, इसी के अंदर बहुत कुछ बनाना है। तो मान लो ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी इंटेस्टाइन है। तो इसकी जो सबसे इनर, मान लो ये जो इसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर यानी म्यूकोसा है, जब हम म्यूकोसा को देखेंगे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये हमारी फिंगर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, जिसे हम कहते हैं विलई। ये क्या, इसकी म्यूकोसा जो होगी वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे जैसे ये बना है वैसे ऊपर से भी बना होगा। तो क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता क्यों है, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। जैसे मान लो तुम्हारा ये हाथ है, अब इस हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद कर लो, तो क्या होता है, ये हमारा बस इतना ही सरफेस एरिया है, लेकिन जब हम इस मुट्ठी को खोल देते हैं तो सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है, ये सब बढ़ जाता है। तो इसमें भी यही होता है कि ये जो विलई बनती है,
इसे क्या कहेंगे, विलेय। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो विलेय क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। लेकिन अब विलेय जो है इसके ऊपर भी स्मॉल बहुत ही हल्के हल्के प्रोजेक्शन निकले होते हैं। ये ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, ऐसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं। इन प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, इन प्रोजेक्शन को कहते हैं माइक्रोविलेय कहते हैं। ये जो माइक्रोविलेय है, जैसे घर पेंट होता है, ब्रश तो देखे ही होंगे, ब्रश कैसा होता है, तो ब्रश में नहीं, अब ब्रश है तो उसमें एकदम पतील 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 निकला नहीं होता है, तो ऐसे ही ये भी होता है, एकदम पतला पतला निकला होता है, यानी ये ब्रश बॉर्डर की तरह होते हैं। माइक्रोविलेय के ऊपर ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस होता है, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोविलेय। अब हमारी जो ये विलेय है, ये किससे बनी है, हमारी म्यूकोसा से ही, हमारी म्यूकोसा की सेल खींच गई और क्या हो गया, विलेय बन गई। तो ये भी सेल से ही बनी है, जब सेल से बनी है तो इसे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खाना पीना। तो अब खाना पीना इसे चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक नेटवर्क पाया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक लिम्फ का नेटवर्क होता है और एक ब्लड का होता है, तो जो लिम्फ का होता है, ये मान लो लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल को और क्या कहते हैं, लैक्टियल कहा जाता है। लिम्फ वेसल को और क्या कहा जाता है, लैक्टियल कहा जाता है। व्हाट इट, तो इसमें क्या होता है, लिम्फ वेसल होती है और ब्लड की वेसल होती है। और ये एक विलेय है और ये एक विलेय है। इन दोनों विलेय के बीच में क्या होता है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होती है, इसमें एक वो बनाती है, फिगर बनाती है, जिसे कहते हैं क्रिप्ट। क्या कहते हैं, क्रिप्ट कहते हैं। तो हमने देख लिया कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा होती है उसपे ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जिसे गोबलेट ग्लैंड कहते हैं। गोबलेट ग्लैंड क्या करती है कि म्यूकस निकालती है, यानी म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जब यहाँ पे गोबलेट ग्लैंड है, यहाँ पे गोबलेट ग्लैंड भी पाई जाती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस कैसा होता है, चिपचिपा होता है। तो वो क्या करता है, इसके पैसेज को, यानी इसके पाथ को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।